हेलो यूट्स गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से भी होंगे। अभी मैं एसी में बैठा हूँ, वो देख लो एसी चल रहा है और वो मैं हूँ। तो मैं अपना स्टडी कर रहा हूँ, उर्दू का पढ़ रहा हूँ। और ये पता नहीं ये कहाँ से आ गया है, इसका बैग टेबल, ये फाओ है इसका नाम, मैंने रखा हुआ फाओ। इस उर्दू की कॉपी की हालत चेक कर, चलता है। हाँ अभी तो इस बार फाइनल पेपर हो रहे हैं ना, तो मेरे अभी तक शुरू नहीं हुए। 23 से शुरू होंगे तो अभी आ रहा है 19। तो मैंने कहा कि पहले से ही तैयारी कर लूँ। पेपर में एक दिन होता है, एक दिन से कौन से हमने फाड़ रहे मान लेते हैं। 9 चैप्टर्स आ रहे हैं उर्दू में। ये चेक कर लें आप लोग चैप्टर्स। अभी मैं ना शुरू मिड टर्म के बाद से आएगा तो ना मैं पीछे से भी रिवाइज कर रहा हूँ। अभी ये करो, अल्लामा इकबाल की शायरी की दो खूबियां तहरीर करें। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों के दिलों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। अभी मैंने ये कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मोबाइल साइड पे लगा देते हैं। आप लोग मेरा नहीं नहीं छोड़ रहा। अब सेटअप पे भी मैं कब महीना हो गया नहीं गया, आ गया था। मेरा ना गला ख़राब चल रहा है इसलिए, तो पता है मेरा इन्फेक्शन होता है था। खाटी हो गई। अभी ये तो उर्दू है, मैंने आज पूरा सिंधी भी कंप्लीट कर लिया, तो अभी मैं स्टडी करता हूँ। लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों के दिलों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। अलामा इकबाल ने बच्चों के लिए इखलाकी और इस्लाही नज़में लिखी। अलामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए क्या काम किया। अलामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में आज़ादी की शमा जगाई और आज़ादी की राह दिखाई। अलामा इकबाल की शायरी के बारे में शायर ने बच्चों को क्या हिदायत की। ये देखे, मैं ये पढ़ रहा था अभी, ये देखें आप वो लोग बोल रहे होंगे ना मैं क्या पढ़ रहा है, तो ये पढ़ रहा था। ठीक है, ये इतना गाइस, मैं आपको अपनी टिकटॉक आईडी बताना बता देता हूँ। आईडी नेम इज XX- नीचे वाला XX_बर्ड लवर। तो आप जाके देखा करें, मैं अब 5-6 दिन बाद ही डालता हूँ। जहरी सी बात है, ऊपर नहीं जाता तो मैं नहीं डालता हूँ। और इस टाइम पे टाइम भी आप लोग चेक कर ले, 2 बजने वाले हैं और अभी टाइम हो रहा है 1:25। तो गई थी मैंने अपनी अपडेट के लिए ये व्लॉग बनाया था कि मैं अभी क्या करता हूँ। मेरा व्लॉग यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।